हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में जो रोमांच आया ना, सच बता रहे हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी कभी कभार नहीं आता है। हालांकि पाकिस्तान के लोगों ने आज इंडिया के जीत के लिए काफी दुआएं मांगी थी। मैं तो सुबह से ही देख रहा था पाकिस्तान के लोग दिल खोल कर इंडिया की जीत के लिए दुआएं मांग रहे थे। देखो भैया, अगर कोई पाकिस्तानी मेरी बात सुन रहा है तो सच माना दिल से हम आपको दुआ दे रहे हैं, क्योंकि आपने जितनी शिद्दत से दुआ किया था शायद रिजल्ट नहीं आया। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आपकी दुआ काम आएगी। लेकिन इस इंडिया की हार से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में आने का जो रास्ता था वो लगभग लगभग बंद हो चुका है। अब शायद ही कोई ऐसा विकल्प हो सकता है जिससे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में दोबारा इंडिया से भिड़ सके। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया जानबूझ के हारा है, क्योंकि इंडिया खेल तो बढ़िया ही रहा था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका पूरी तरह से हार भी जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी जिस तरह से बल्लेबाजी की, खासकर सन मिलर जैसे लोगों ने, मजा आ गया देख के। और लग रहा था कि वो भी आज हारने के मूड में नहीं है। अब बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे कि इंडिया ने तो जानबूझ के हारा है क्योंकि वो चाहता था कि पाकिस्तान से सेमीफाइनल में न भिड़े। तो आपको सच बता दें, इंडिया भी इस हार से उतना ही दुखी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है असल में देखने में मजा तो वही आता है। भले ही इंडिया किसी और टीम से जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मजा इंडिया और पाकिस्तान के मैच में होता है वो शायद किसी और मैच में नहीं होता। देखो भैया, ये वाला कंप्लेन तो मत करना कि इंडिया जानबूझ के हार है, क्योंकि मैंने सुबह से भी कई वीडियोस ऐसे देखे जिसमें पाकिस्तानी लोग कह रहे थे कि इंडिया अक्सर ऐसा करता है कि जानबूझकर हार जाता है ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए। तो देखो, इस बार ऐसा इंटेंशन नहीं है। इंडिया ने अपनी पूरा जी जान लगाया ताकि वो मैच को जीत सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाई सामने वाली टीम भी तो खेल नहीं आई थी, और वो क्यों हार मानेगी जब उसके खुद के अस्तित्व पे खतरा आया हुआ है। तो वो चुपचाप तो बैठेगी नहीं। हालांकि उन्होंने भी अच्छा खासा मतलब परफॉर्म किया और मैच को एक रोमांचक मोड़ तक ले गए। लेकिन वही है ना, जो जितना बढ़िया खेलता है अंत में रिजल्ट वैसा ही आता है। कुछ कुछ वैसा ही हुआ, साउथ अफ्रीका जीत गई। अब कंप्लेन मत करना कि इंडिया ने जानबूझ के हारा ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए। बाकी जैसे पिछली बार इंडिया बाहर हो गया था, वैसे इस बार पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। बस वही है, घर जाओ, सोचो कि गलती कहाँ हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है। दोष देने से अच्छा है अपने बाबर भैया से बात करो, रिजवान भैया से बात करो, और ख़ास तौर पर अपने जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात करो कि आखिर दिक्कत कहाँ हुई है। इंडिया पे ब्लेम करके क्या मिलेगा, इंडिया तो सेमीफाइनल में पहुँच ही जाएगा और आप घर पे रहोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडिया जाके फाइनल में हार भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी हारते हैं, लेकिन अच्छे मोड़ पे जाके हारे। अब शोएब अख्तर भैया कहेंगे जरूर कि देखिए इंडिया अगले हफ्ते घर आ जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि शोएब अख्तर इतने बड़े भविष्यवक्ता कब से बन गए कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान आया है तो अगले हफ्ते इंडिया बाहर आ जाएगा। भैया लगता है आजकल क्रिकेट छोड़कर भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिए हैं शोएब अख्तर। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इंडिया आता है या नहीं, या हो सकता है कि इंडिया ट्रॉफी ही लेकर आ जाए। लेकिन जो भी हो, आज की हार का जो श्रेय है ना वो इंडिया पे मत फोड़ना कि इंडिया ने जानबूझ के हारा है। बाकी साउथ अफ्रीका को जीत के लिए काफ़ी बधाइयाँ, हम दिल से चाहते हैं कि वो भी मजा ले, क्योंकि आज के समय में जो जीत रहा है ना उसी की बल्ले बल्ले हो रही है। अब पाकिस्तान जिम्बाब्वे इंडिया से हार गया तो उसमें इंडिया की गलती नहीं है भाई। जब आप अच्छा खेलोगे ही नहीं तो जीतोगे कहाँ से, और आपको जीतना है, ट्रॉफी भी आप ही को चाहिए, तो कम से कम जिम्बाब्वे से तो जीतो। बिना जिम्बाब्वे से जीते आप चाहते हो कि इंडिया सबसे हार जाए, बादल फट जाए, बारिश हो जाए, सब कुछ हो जाए और सेमीफाइनल में आप पहुंच जाओ, उसके बाद आप ट्रॉफी लेके घर चले जाओ। ऐसा नहीं होता भैया, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत हाथ पांव मारने पड़ते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आज की जो मैच थे साउथ अफ्रीका इंडिया में, उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस और साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। और ये भी बताइएगा कि सच में इंडिया जानबूझ के हारा है या साउथ अफ्रीका ने खुद ही अच्छा खेला उस वजह से हारा। अब जो भी हो आप अपने कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।